Tinha não, meu. उन्नीस सौ छियानवे से ह्यूमैनिटी फर्स्ट जर्मनी खिदमत इंसानियत में मसरूफ है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट जर्मनी सिर्फ यूरोप के ममालिक में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। बेनिन अफ्रीका का एक गरीब मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 90 लाख के लगभग है। इस साल 2012 में ह्यूमैनिटी फर्स्ट जर्मनी को इस मुल्क में भी एक हस्पताल बनाने की तौफीक मिली। इस हस्पताल की तामीर में खुदाम अहमदियत ने दिन रात बेहद मेहनत से काम किया। हम इस हस्पताल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारा अल्लाह पर ईमान है कि उसकी मदद से हर काम मुमकिन है और हम अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार हैं। और फरवरी 2012 में अल्लाह ताला के फजल करम के साथ इस हस्पताल का इफ्तिताह किया गया जिसमें मुल्क की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। ये 3 मंजिला इमारत जिसका नाम भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट हस्पताल रखा गया है 6 माह के अरसा में तामीर हुआ और ये इमारत 16 कमरों पर मुश्तमिल है जिसमें एमरजेंसी रूम ऑपरेशन रूम्स वगैरह भी शामिल हैं। इसी तरह ह्यूमैनिटी फर्स्ट जर्मनी के मातहत 2011 में बेनिन में एक स्कूल भी खोला गया जिसमें तकरीबन 120 बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। इस स्कूल के एक कारकुन ने भी बड़े जज्बाती रंग में अपने ख्यालात का इजहार किया। हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट के बेहद शुक्रगुजार हैं और हमारी ख्वाहिश है कि ये हमेशा से ऐसे ही बेनिन में खिदमत करते रहें। और मुझे कहना पड़ेगा कि ब्रावो ह्यूमैनिटी फर्स्ट। यहाँ बच्चों की तालीम के साथ साथ ये 3 बच्चों के लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट जर्मनी रहाइश का इंतजाम भी कर रही है। एक हॉलैंड के रहने वाले मियाँ बीवी ने जमात अहमदिया हकीकी इस्लाम को कबूल करने के बाद अपनी जिंदगियाँ इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ की हैं और वहाँ पर आँखों का इलाज करते हैं और आजकल यतीमखाना की तामीर की निगरानी भी कर रहे हैं। Real future, they have a proper job. ये बच्चे इस दारुल अकराम में रहेंगे और यहाँ से अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे और इंशाल्लाह जिंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे और एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद कायम होगी। That they have a better background.